मैं इतनी खुशी से भाग के गई हूँ, किसी ने मेरे जबरदस्ती नहीं किया। फरीद मुझे पसंद था और मेरे अबू वैसे ही सोशल मीडिया पे मेरे फरीद के खानदान को तंग कर रहे हैं और वैसे ही बोल रहे हैं कि इसको अगवा किया गया, उस नशे की गोली लेके मेरी बेटी को गए हैं। लेकिन मुझे किसी ने नशे की गोली नहीं खाया, मुझे किसी ने बेहोश नहीं किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं पहले आपको बयान दे चुकी हूँ कि मुझे किसी ने डरा धमका के बयान नहीं किया। मेरा अबू बोलता है कि उसको डरा के धमका के बयान दिलवाया गया, मुझे किसी ने डरा के धमका के बयान नहीं दिलवाया गया। मैं अपनी जबान से बयान दे रही हूँ और मैं अभी भी फरीद के साथ बहुत ही खुश हूँ। और जनाब इजाज अली बेग साहब यानी कि और हमारी इस्माइली जमात फरीद के खानदान को तंग करना बंद करे बस। और मेरी आपसे ही गुजारिश है और मैं फरीद के साथ बहुत खुश हूँ और उनको तंग करना बंद करे। आप मुझे रहे किसी भी कोर्ट में ले जाए, मैं यही बयान दूंगी कि मैं अपनी खुशी से गई हूँ और यही सच है कि मैं अपनी खुशी से गई, मुझे फरीद पसंद था बस। और मैं पहले भी कोर्ट में बयान दे चुकी हूँ कि मैं अपनी खुशी से गई थी और मैं भी अभी बयान किसी भी कोर्ट में मुझे ले जाए मैं बयान देती हूँ, मैं अपनी खुशी से गई हूँ। और मेरी खानदान का क्या बनता है कि वो नारे लगाए कि इसको यानी कि अगवा किया है ये वो। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मेरी खानदान का मुझ पर कोई हक नहीं बनता और मेरे अम्मी अबू सारे उकसाते हैं। और मैं अपनी खानदान को ये बोलती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अबू को अम्मी अबू को तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी खुशी से गई हूँ। और नेट और फेसबुक पर नारे लगाना बंद करें, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ बस।